मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा का संचालन पूरी तरह से कदाचार रहित, स्वच्छ और उत्कृष्ट माहौल में किया गया है और निश्चित रूप से ऐसी कठिन परीक्षा व्यवस्था से जो भी परीक्षार्थी गुजरे हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि अब जो परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता आप कदम चुनेगी और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है। और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हों। सर, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट का ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है OMR भरने में या उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग हो जाता है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होगा? देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने OMR भरने में गलती की है या उन्होंने गलत गोले को भरा है तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य डॉक्यूमेंट से मिलान करके यदि उस विद्यार्थी ने जो त्रुटि की है उसका सुधार हो सके तो उसके उसमें समय भी लग रहा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने जिस किसी पर त्रुटि की है उसको अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से मिलान कर सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए बोर्ड से काफ़ी बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक कर्मी लगाए गए हैं जो बच्चों द्वारा की गई ऐसी गलतियों को देख रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश की जा रही है कि उन सारे सुधार उनमें से अधिकांश त्रुटियों का सुधार अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कर ली जाए ताकि ऐसे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग ना हो पाए। पेंडिंग कम से कम हो इसके लिए सारी तैयारियां, सारी व्यवस्था की जाए। स्क्रूटनी के लिए तो मौका मिलेगा सर? बिल्कुल, इसके बाद भी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा और स्क्रूटनी फीस पेमेंट करने के पश्चात स्क्रूटनी की कार्रवाई